दर्शकों नमस्कार, मैं निशांत लांजावर, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज, नई सोच नई खोज। अब गांव-गांव में हो रही है कोरोना वायरस के प्रति जन जागृति। जैसा जैसा कोरोना वायरस अपना रौद्र रूप धारण कर रहा है, वैसे वैसे उस पर नियंत्रण कराने हेतु अनेक उपाय योजना शुरू किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कराने के बाद अब गांव-गांव में कोरोना वायरस को रोकने हेतु संचार बंदी लागू कर दी है। गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील तथा सड़क अर्जुनी तहसील के गांव-गांव में आकाश न्यूज के जिला प्रतिनिधि ने जाकर गांव के प्रमुख पदाधिकारियों से बात की। आखिर क्या कहना है गांव के पदाधिकारियों का, देखिए गोंदिया जिला प्रतिनिधि देवेंद्र दमाए की खास खबर। मेरा नाम देवेंद्र दमाए, मैं गोंदिया जिला प्रतिनिधि आकाश न्यूज नेटवर्क के साथ हूँ और मैं आया हूँ गोंदिया जिले के ग्रामीण क्षेत्र में। सड़क अर्जुनी तहसील है, वैसे भूसारी टोला यह गांव में आया हूँ। यहाँ पे पुलिस पाटिल सरपंच इन लोगों के जरिए जो संचार बंदी पर कार्यक्रम चल रहा है और बंदोबस्त चल रहा है, उसके पश्चात हम इस गांव के पुलिस पाटिल से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इन्होंने गांव में कैसा बंदोबस्त रखा है। शासनाने ज्या ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या सूचनांचे अगदी 100% पालन होत आहे। बाहेरून आलेल्यांना बिलकुल लॉकबंद जो आहे, लॉकडाऊन सिस्टम, लॉकडाऊनच्या उपक्रमाद्वारेच त्यांना घरीच थांबायला सांगण्यात आलेलं आहे आणि कुणाच्याही संपर्कात न येता अगदी घरीच राहायचं, घरी राहते, घरी ज्या पद्धतीने राहता त्या पद्धतीला सोडून आपण घरच्या परिवारासोबत 1 मीटरच्या आतच थांबायचं आणि बाहेर येणाऱ्या जाणाऱ्यांवर बंदी आहेत। गावातील व्यक्तींना जर आवश्यक वस्तूची आवश्यकता भासली तर फक्त त्या आवश्यक वस्तूची गरज भासविण्यासाठीच बाहेर निघायचं। गाँव के सरपंच, अब तक के सरपंच साहब, आपके गांव में कोई बाहर से आया है व्यक्ति तो उसका इलाज वगैरह कुछ किए हो या इसके ऊपर कुछ मुहिम निकाले हो? हाँ, इसका इलाज भी किए हैं। उसके लिए जो भी हमारे गांव में आता है बाहर गांव से, उसको हमने आशा वर्कर द्वारा उसका खून टेस्ट करने के लिए भेजे PHC में। उसके बाद में उसको हमने सूचना दी है कि भाई आप 15 दिन के लिए नज़र बंद हो, घर में रहो और 1 मीटर के डिस्टेंस में सबसे घर में भी व्यवहार करो, ऐसे रहो कि जैसे आप अकेले हो उस हिसाब से रहो, कम से कम 15 दिन। 15 दिन के बाद में आप भलाई घुल मिल के सबके साथ में रह सकते हो और उस हिसाब से हमारी यंत्रणा तैयार है और हर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति जो भी घर में जैसा भी आता है तो हमको सूचना मिलने के बाद में हम तुरंत उसके घर में जाके उसको बता देते हैं कि भैया तेरे को ये करना है। पहले तो उसको उठा के हम PHC में लेके चलते हैं, PHC में उतना कोई उपचार हो नहीं रहा है, इसलिए डॉक्टर भी बता रहे कि भाई आप घर में रहो और 15 दिन के लिए ऐसे नज़र बंद रहो कि जैसे कोई आप घर में हो लेकिन सुरक्षित अपने सिर्फ 1 मीटर अंतर से, किसी से भी व्यवहार करना है तो 1 मीटर अंतर से करो, ये सूचना हम उनको देते हैं और वही से ही सूचना से वो लोग चल भी रहे हैं। हम बार बार दिन में कम से कम 4 बार उनके घर में जाके पूर्व सूचना और बार बार उनके घर में जाके उनको बताते हैं कि भाई ऐसे ही रहो जिस पद्धति से हमने उनको बताया। सरपंच जीवनलाल रंजे कोहली टोला आदर्श, तालुका सड़क रोजनी, जिला गोंदिया। चांगला कार्यक्रम हा जो कोरोनाचा हा प्रादुर्भाव आमच्या संपूर्ण परिसरात नव्हे जगामध्ये पसरत आहे आणि जगामध्ये पसरत असताना फक्त याच्यासाठी एकच संदेश असला पाहिजे की मी दुसऱ्याला स्पर्श न करता याची जनजागृती माझं करणं हे माझं काम आहे आणि या दृष्टिकोनातून आम्ही गावकऱ्यांना दुकानं बंद करून खऱ्याची दुकानं बंद करायला लावली आणि त्याच्यासोबतच कुठेही थुंकू नका आणि कोणालाही स्पर्श करू नका आणि घराच्या बाहेर जाऊ नका, कारण यामुळे किती संसर्गजन्य होत असेल याचं फार मोठे विलक्षण आहे। ज्या गोष्टीला भिण्यासारखं काय आहे ते याला महामारी म्हटलं आहे। महामारी म्हटल्याच्या नंतर एकदम अंगावरचे रोमांच हे उभे होतात आणि महामारी हा शब्द आल्याच्या नंतर किती आम्ही दक्षता घेतली पाहिजे। आज संपूर्ण देशाची जगाची अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली तरी पण प्रशासन कुठेही त्याची चिंता न करता, सन्माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी
आजच त्यांनी डिक्लेअर केलं की काय याच्यासाठी आपल्याला झुंज द्यावी लागेल आणि त्या दृष्टिकोनातून मी चांगला तर दुसरा चांगला आणि मी कोणाशी स्पर्श केलं नाही तर रोगाचा प्रादुर्भाव होणार नाही आणि त्यासाठी आम्ही पूर्ण गावामध्ये आज फवारणी करत आहोत आणि एवढंच नाही तर संपूर्ण कोणी कुठेही जवान पोरं किंवा कोणी म्हातारी पूर्ण एका ठिकाणी जमू नये असं आम्ही घरोघरी सांगितलेलं आहे. बघूया समोर कसं होतं आहे, पण आम्ही दक्षता घेतलेली आहे, जागृत जनता जागृत झालेली आहे आणि पंतप्रधानांनी जे भाषण केलं त्याच्यामुळे तर अजून खूप जागरूकता निर्माण झालेली आहे. चला थँक्यू, धन्यवाद. सेवा कराय आणि लोकांच्या म्हणजे प्रत्येक घरोघरी दिवसातून तीनदा जातो मी आणि प्रत्येकाला सांगतो की तुम्ही तोंडाला मास्क लावा आणि स्वच्छ हात धुवा दिवसातून 15 ते 20 वेळा असं सांगत राहतो आणि आमच्या गावातील प्रत्येक व्यक्ती ते तसे करत राहतात. एवढंच मी बोलून.